स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 16A का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग कर लेंगे जैसे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लुक एट द फिगर गिवेन बिलो, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज। जो फिगर दिया है हमको बताना है कि ये जो फिगर एक्यूट ट्रायंगल है कि राइट ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। जैसा आप लोगों को पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम एंगल के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि वो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या बताए थे, जब ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट ट्रायंगल कहलाएंगे। और जब अगर ट्रायंगल में अगर एक एंगल केवल 90 डिग्री का होता है तो वो क्या कहलाता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है। और ऑब्ट्यूज का जो बताए थे कि ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज क्यों है, क्योंकि एक एंगल इसमें देख रहे हैं कि 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आप लोग राइट कर देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, बस यही फाइंड करना है। ये देखिए, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, तीनों 90 डिग्री से कम है तो कौन सा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। तो आप लोग एक्यूट राइट कर दीजिए, एक्यूट ट्रायंगल राइट कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक बोले सर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग राइट ट्रायंगल लिख देंगे। और लास्ट ये देखते हैं, ये देखिए, ये भी 90 से कोई 90 से क्या है, ज़्यादा है, तो 90 से जब ज़्यादा होगा तो किस में आएगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिख लेंगे, पेंसिल से फिगर बनाएंगे, फिर उसके नीचे ये आप लोग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल हैज बीन गिवन, स्टेट फॉर इच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेन आइसोसेलस आर इक्लेटर। इसमें हमको जो ट्रायंगल के फिगर दिए हुए हैं उसमें अब इसको फाइंड करना, देखिए साइड के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि वो स्केलेन है कि आइसोसेलस है कि इक्वेटरल ट्रायंगल, ये पता। तो आपको बताया ही थे इक्वेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलस बोलते हैं। और जिसके एक भी साइड, तीनों साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको स्केलेन बोलते हैं। तो पहला देखिए, देख लेते हैं, ये 2.3 है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर दो दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या दो हमारे साइड क्या है, इक्वल दो साइड होंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलन आइसोसेलस हो जाएगा। तो यहां पे हम आंसर में क्या लिख देंगे, ट्रायंगल राइट कर देंगे। इसी तरह सबका क्या करना है, आपको फाइंड करके राइट करना है। अब देखिए इसको, देखिए ये भी 2.4 है, ये भी 2.4 है, दो साइड दिख रहे हैं तो ये भी आइसोसेलस हो जाएगा ट्रायंगल, तो इसको भी कर लेंगे। ये देखिए इसमें देख रहे हैं, इसमें एक साइड 7.3 सेंटीमीटर का दिया है, फिर दूसरा दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला दिया है 2.6 सेंटीमीटर। तो तीनों दिख रहे हैं क्या, डिफरेंस, तो डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर वो हो जाएगा और ट्रायंगल लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी, 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटरल ट्रायंगल। तो आंसर में आप लोग इक्वेटरल ट्रायंगल लिख देंगे, बस यही फाइंड आप लोगों को क्या करना है, करना है। हो जाएगा फिगर बना के पेंसिल से, तब उसके नीचे आप लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब यहाँ तो साइड के अकॉर्डिंग फाइंड कर ली, अब देखिए अब यहाँ तो साइड नहीं दिया तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल के अकॉर्डिंग, जब तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, या तीनों एंगल इक्वल हों या तीनों साइड वो इक्वेटर कहलाएगा, तो ये भी इक्वेटर ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो
दो एंगल इसके भी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोस्कलियस ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे तीनों नहीं है, देखिए एंगल ये 50 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा है ड्रा ए ट्रायंगल एबीसी, ऐसे आपको भी एबीसी ये ट्रायंगल ड्रा करना है। टेक ए पॉइंट डी ऑन बीसी से एक पॉइंट लेना है, ये एडी को ज्वाइन करना है। इसी तरह फिगर बनाएंगे। फिर कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट नेम देम, कितने आपको इसमें ट्रायंगल मिले हैं उसका नाम क्या करना है, राइट करना है। तो इसमें बताइए कितने आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ये देखिए, पहला हमको ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी, फर्स्ट हो गया। दूसरा हमको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा हो गया। देखिए फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड हमको ए बी और सी। इसमें कितने हमको ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो आंसर, पहला आंसर पूछा था हाउ मेनी, कितने, तो 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद बताया नेम, तो नेम क्या है, ट्रायंगल का नाम लिख देंगे। ट्रायंगल पहला ट्रायंगल लिखेंगे, ये ट्रायंगल का साइन होता है ऐसे ए बी डी, ए बी डी। सेकंड क्या था, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। और थर्ड क्या था, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये इसका आंसर हो गया। तो इसको फिगर बना गया और ये आंसर आप लोग राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि कैन ए ट्रायंगल हैव, कह रहा है क्या ये ट्रायंगल हो सकता है, आपको ये फाइंड करना है। तो ये बताइए, फर्स्ट दिया है इसका टू राइट एंगल, अगर ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो तो क्या वो ट्रायंगल होगा, अगर ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो तो क्या वो ट्रायंगल होगा। तो जैसा कि हम जान कि एक ट्रायंगल में केवल वन ही राइट एंगल हो सकता है, वन से अगर ज़्यादा हुआ तो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। मान लीजिए कि अब दो 90 डिग्री का हो गया, 90 प्लस 90 मान लीजिए, और ट्रायंगल में तो 3 एंगल होते हैं, कोई भी मान लीजिए अगर इतना होता है 15 हर्ड मानते 15, तो 90 80, और 80 में अगर हम 15 ऐड करते हैं 195, जबकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के 195 तो ट्रायंगल होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि तीनों एंगल को ऐड करने पे वो कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। अगर 180 डिग्री के बराबर है तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। नो किस लिए हो जाएगा, क्योंकि दो अगर राइट एंगल होंगे तो वो ट्रायंगल कहलाएगा ही नहीं। उसी तरह टू ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, हाँ हो सकता है टू एक्यूट, एक 45 डिग्री का हो गया, एक 45 डिग्री का हो गया और एक 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए ऐड कर लीजिए, तो 5 5 10 का 0, 4 9 13 4 4 17 180 180 हो जाएगा। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यश, इसका आंसर हो जाएगा। इच एंगल मोर देन 60 डिग्री, ट्रायंगल का अगर एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या वो ट्रायंगल वो कहलाएगा। अगर 60 डिग्री से हर एक एंगल, तीनों एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो, नहीं हो सकता है। या तो तीनों एंगल 60 डिग्री का हो या 60 डिग्री से कम हो, तब ये ट्रायंगल बन सकता है। उसी तरह इच एंगल लेस देन 60 डिग्री, अगर प्रत्येक एंगल, जो ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल अगर 60 डिग्री से अगर कम भी होंगे तभी वो क्या होंगे, ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगर 60 डिग्री से कम होंगे तभी भी वो 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, इससे भी नहीं बन सकता है। इच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, अगर ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर हो तो इक्वल तो वो तो ट्रायंगल हो सकता है। देखिए अब मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, तीनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, हाँ इससे बन सकता है, बाकी से नहीं बन, इसी दोनों से क्या बस ट्रायंगल फाइन बन सकता है, बाकी किसी से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स का फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अभी सब पढ़े थे ना हम लोग।
तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया ए ट्रेंगल हैज डैश साइड डैश एंगल्स एंड डैश वर्टिस। तो ट्रेंगल में जैसे हम जानते हैं कि थ्री साइड होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टिक्स होते हैं, तो ये राइट कर देंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज डैश। ट्रेंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल बराबर होता है, तो आपको बताएंगे कि 180 डिग्री के हो जाएगा। द साइड ऑफ ए स्केलन ट्रेंगल आर ऑफ डैश लेंथ। जो स्केलन ट्रेंगल के सभी लेंथ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट, कोई इक्वल नहीं होता है, तो डिफरेंट राइट कर देंगे। इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्रेंगल मेजर। इक्विलेटर ट्रेंगल का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रेंगल आर। आइसोसेलस ट्रेंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज। जो ट्रेंगल का जो साइड का अगर हम सम निकालते हैं, मान लीजिए ये ट्रेंगल है, तो ये थ्री है, इसका हम सम निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस तरह इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।